Hello students, today we are going to start the next topics. Okay, in last class we study about the numbers up to 6. Okay, so हमने क्या किया था last class में 6 number को understand किया था and write भी किया था, उसको लिख के भी दिखा था और समझा भी था. तो आज today we are going to start the number 7. Okay, so हम क्या करेंगे आज number 7 को समझेंगे और लिखेंगे भी. We are understand the understand and write the 7. Okay, so let's start. Understand and write 7. तो आज हमें क्या करना है, 7 को understand करना है, लिखना भी है. Okay, so you know what, look at this. There are some pictures, okay? In first picture, there are a number of dolls, okay? So, count these dolls. For 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Kitne dolls hai yaha pe? There are 7 dolls. 7 dolls hai yaha pe? Then next picture dekho. Look at this next picture. There are ducks. यहाँ पे ducks है, so please count these ducks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many ducks there? There are 7 ducks. Okay, so how we write the 7? 7 कैसे लिखते हैं हमें? हम देखो, इस तरह से हम एक horizontal line लेंगे, यानी sloping line लेंगे. Okay, then स्लोपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक स्लोपिंग लाइन, इस तरह से हम निकालेंगे. तो ये क्या बन गया हमारा, 7 बन गया, दिख रहा है ये? देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये स्लोपिंग लाइन लेंगे, तो क्या बन गया, ये 7 बन गया. तो इस तरह से हमें 7 बनाना है, स्लोपिंग स्लीपिंग लाइन एंड स्लोपिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन यानी स्लोपिंग लाइन. तो ये क्या बन गया हमारा, 7 बन गया. तो देखो, 7 हमारे जो फिगर्स है, कितने फिंगर्स है? देर आर 5 फिंगर्स एंड दिस इज 1, 6 एंड अगर 6 एंड 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. देखो, ये 6 नंबर्स है, 6 फिंगर्स दिख रहे हैं और इसमें अगर 1 फिंगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो गई है, कितने फिंगर दिख रहे हैं बच्चों? देखो, कितने फिंगर है यहाँ पे, देर आर 7 फिंगर्स. ओके, सो यू नो व्हाट द रेनबो, रेनबो पता है आपको? देर आर हाउ मेनी नंबर्स इन रेनबो? रेनबो हैज 7 कलर्स. ओके, 7 कलर होते हैं रेनबो में. देन नेक्स्ट, यू नो व्हाट वीक, हम जो डेज रहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो डेज रहते हैं, वीकली डेज जो रहते हैं, उनमें कितने डेज रहते हैं? हाउ मेनी डेज इन वन वीक? देर आर 7 डेज. ओके, सो रेनबो में, रेनबो में भी कितने कलर्स होते हैं? देर आर 7 कलर्स. एंड वीक में कितने डेज होते हैं? देर आर 7 डेज. ओके, तो हमें 7 पता है अभी. रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, देन वीक में भी 7 डेज होते हैं. तो हम 7 कैसे लिखते हैं, हमने अभी पढ़ा है. देखो, इस तरह से हम स्लीपिंग लाइन निकालेंगे, देन स्लोपिंग लाइन निकाले, तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा. इस तरह से आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और 7 बनाना है. देन नेक्स्ट, हमें 7 तो हम निकालेंगे इस तरह से, लेकिन हमें 7 की स्पेलिंग पता होनी चाहिए. 7 को हम कैसे लिखेंगे वर्ड में, अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? तो देखो, 7, 7 की स्पेलिंग क्या होगी? यस, ई वी ई एन. क्या है, एस ई वी ई एन, क्या हो गया, 7. तो एक क्या की स्पेलिंग है, 7 की स्पेलिंग है एस ई वी ई एन. अगर आप ये नंबर्स की स्पेलिंग और ये नंबर की प्रैक्टिस जितने बार करेंगे, जितने बार हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको जल्दी से 7 निकालना भी और उसकी स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी. ओके, इस तरह से हमें 7 निकालना आता है और हम 7 की स्पेलिंग भी पढ़े. तो देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर है,
देखो यहाँ पे काइट दिख रही है, काइट देखो बोलो एक, देखो यहाँ पे काइट दिख रही है, और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिए है, तो हमें क्या करना है, प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट सेवन ऑब्जेक्ट्स विल बी इन इट्स लूप। देखो अगर यहाँ सेवन काइट्स दिख रहे हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे या कुछ लाइंस लेंगे, इस तरह से हम पॉइंट लेंगे कुछ। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग के हेल्प से लूप निकालना है, और उस लूप में हमें सेवन पॉइंट्स आने चाहिए, उस लूप में हमारे सेवन पॉइंट्स आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देर आर सेवन नंबर। सो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से स्ट्रिंग कंटिन्यू करेंगे, देखो इस तरह से यहाँ तक हमारे सेवन हो गए थे, तो हम इस लूप इस स्ट्रिंग में ही सभी पॉइंट्स आने चाहिए सेवन, तो हम इस तरह से लूप बनाएंगे, इस तरह से लूप बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ गए अभी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देर आर सेवन पॉइंट्स। ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में भी कुछ दिए हुए हैं, वहां पे भी हमें इसी तरह से लूप बनाना है, और उस लूप में सेवन नंबर्स आने चाहिए। अगर हम सेवन नंबर काउंट कर सकते हैं, तो इजिली हम सेवन नंबर्स का लूप बना सकते हैं स्ट्रिंग के हेल्प से। ओके तो आपको सेवन कैसे निकालते हैं, हम इस तरह से सेवन निकालते हैं, तो आपको इस तरह से उसके सेवन की प्रैक्टिस करनी है और लर्न करना है उसको। ओके सेवन के बाद कौन सा नंबर आता है, एट। एट नंबर आता है सेवन के बाद, देखो हम सेवन के बाद एट नंबर आता है, तो हम एट कैसे निकालेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, एट, अंडरस्टैंड एंड राइट एट, एट को समझेंगे और लिखेंगे। सो देखो इस पिक्चर में देखो यहाँ पे कुछ लॉक दिख रहे हैं, लॉक से जो हम घर को लॉक लगाते हैं, लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें काउंट करना है यहाँ पे कितने लॉक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देर आर एट लॉक। ओके यहाँ पे कितने लॉक है, एट लॉक है। देन नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर में कितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी एट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एट पढ़ रहे हैं, एट को समझ रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे एट एट ही ऑब्जेक्ट्स है। सो नाउ सेवन एंड वन कितने होंगे, सेवन एंड वन एट हो गए, सेवन एंड वन एट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो एक कितने फिंगर्स है, कितने फिंगर्स है यहाँ पे, देर आर एट फिंगर। सेवन एंड वन कितने हो गए, कितने फिंगर हो गए, सेवन एंड वन देर आर एट। ओके सो इस तरह से हम अगर नंबर्स काउंट करते हैं, तो हमें तो इस तरह से हमें एक नंबर को लिखते आना चाहिए। ओके सो हम क्या करेंगे, एट कैसे निकालते हैं, देखो एट कैसे निकालेंगे, हम इस तरह से एक राउंड बनाएंगे। ओके वन राउंड, देन उसी के नीचे सेकंड राउंड बनाएंगे। ओके तो ये क्या बन गया हमारा, एट बन गया। इस तरह से लूप निकालना है हमें, इस तरह से कर्ल निकालेंगे, देन इसको इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, तो एट बनेगा। अगर आप इस तरह से सर्कल बनाओ और उसके नीचे दूसरा सर्कल बना, तो ए भी एट बन जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एट बन गया। देन आप इस तरह से भी लूप बना सकते हो, ए भी इस तरह से भी हमें एट बन सकता है। ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट एट की स्पेलिंग, अभी एट तो हम निकालेंगे इस तरह से हम एट निकाल लेंगे, ठीक है। हमें एट की स्पेलिंग भी मालूम होनी चाहिए, एट की स्पेलिंग हम पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो एट की स्पेलिंग क्या है, EIGHT, क्या हो गया, एट, EIGHT, एट, ये क्या है, एट। तो हम एट कैसे निकालते, इस तरह से भी निकाल सकते हैं,
और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ए भी 8 बन गया, वो भी 8 है। ओके, तो इस तरह से हमें 8 को समझना है और 8 की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।